कुछ खाने को दे दो। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था वो था हाउ टू कैलकुलेट बोल। मैक्सिमम सैलरी, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम सैलरी। और इसी के साथ मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, वेदर अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज वर्थ वाइल और नॉट। ये दो बातें मुझे डिस्कस करनी थी ताकि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो। ये दो बातें हमारे पास चल रही थी, किसी भी एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी कैसे निकाली जाएगी, और एक अगर मुझे ये जानना है कि मुझे उस एम्प्लॉय को अपॉइंट करना वर्थ वाइल है या नहीं है। तो देखो, मैंने आपको ये बताया था यहां पर मेरे पास वर्थनेस अगर मुझे एम्प्लॉय की चेक करनी है तो मुझे अपने क्वेश्चन को दो पार्ट में लेना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं निकालूंगा कि जिस एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं उस एम्प्लॉय को अपॉइंट करता हूं तो उसकी वजह से कॉस्ट टू कंपनी क्या आ रही है, यानी उस एम्प्लॉय को अपॉइंट करने का सीटीसी क्या बन रहा है, कंपनी की जेब से होने वाला जो टोटल खर्चा है वो हमें कैलकुलेट करना है अगर हम उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं तो। क्लियर यहां तक? बिल्कुल। दूसरी यस सर, यस सर, यस सर। बात ये है, सीटीसी तो उसे तभी दोगे ना जब वो आपको बेनिफिट कमा कर देगा। भाई आप सोच के देखो कि किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना कब आपके लिए अच्छा है, जब आपके द्वारा उसके लिए किया गया खर्चा, जब आपके द्वारा यानी एम्प्लॉयर के द्वारा उसके लिए किया गया खर्चा एम्प्लॉयर को मिलने वाले बेनिफिट से ज्यादा होगा। तो यहां मैं क्या निकालूंगा, बेनिफिट टू कंपनी, बेनिफिट टू कंपनी, ड्यू टू अपॉइंटमेंट। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं ये देखूंगा कि इस एम्प्लॉय को अपॉइंट करूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, और इस एम्प्लॉय को अपॉइंट करूंगा तो मेरे लिए कॉस्ट क्या आएगी। अब बताओ इन दोनों को कंपेयर करके क्या आप ये डिसीजन ले सकते हो कि इस एम्प्लॉय को अपॉइंट करना वर्थ वाइल है या नहीं है? कब बोलोगे यस बताओ, सर, वर्थ वाइल कब मानोगे? जब बेनिफिट बेनिफिट कंपनी से मिलेगा ज्यादा हमको, होगा। वर्थ वाइल बोलोगे जो सीटीसी है वो लेस देन क्या हो, बेनिफिट टू देगा। बेनिफिट्स हो। बस बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है आपका, कि अगर जो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं वो ज्यादा है और जो सीटीसी अराइज हो रही है वो कम है, तो आपको ये बोलना चाहिए कि हाँ हम इस पर्सन को अपॉइंट कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको अपॉइंट नहीं करेंगे। अच्छा एक और चीज बताता हूं, यहीं पर एक और बात मैं कहता हूं, इफ अपॉइंटमेंट इज फॉर
टर्न अराउंड सिचुएशन देन ऑल प्रॉफिट्स आर कंसीडर्ड एज बेनिफिट। अभी जरा मैं इस बात को समझाने के लिए पहले इधर जाऊंगा, नोट कर लें बस आप, अभी इसको समझना नहीं है आपको। अब मैं पहले इधर आता हूं। बताइए, ये नोट कर लिया नोट? मिनट सर। अब आओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार सोच के देखो, अब सीटीसी का पॉइंट नहीं है क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि वर्थवाइल चेक नहीं कर रहे हो। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि यार इस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं अपन, लेकिन अपॉइंट कर रहे हैं तो सैलरी क्या देनी है इसको। यहां तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहां अपॉइंट कर चुके हो, अब आप केवल ये देखना चाहते हो कि भैया अपॉइंट करने की इसकी मैक्सिमम ऑफर इसको क्या दोगे, मैक्सिमम सैलरी क्या दोगे। तो देखो, एक बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको ये बोलूं कि किसी भी व्यक्ति को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वही दे सकते हो जो आपको उसकी वजह से बेनिफिट मिला है। बोलो क्या आप ये बात मानते हो? मैं केवल सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल सेंस में आप किसी भी कमोडिटी के लिए, किसी भी चीज के लिए आप मैक्सिमम प्राइस वही दे सकते हो जितना कि आपको उससे सेटिस्फेक्शन या बेनिफिट मिल रहा है। यानी मैं ये बोल सकता हूं, एक्सेस अमाउंट ऑफ बेनिफिट अब एक्सेस अमाउंट ऑफ बेनिफिट का मतलब यहां क्या हो गया? ये जो मेरा एक्सेस अमाउंट ऑफ बेनिफिट है, मैं इसे बोलूंगा मैक्सिमम सैलरी। अब एक्सेस बेनिफिट कैसे निकालूं? तो बहुत सीधी सी बात है, देखो मैं दो बेनिफिट कैलकुलेट करूंगा, बेनिफिट आफ्टर अपॉइंटमेंट यानी इसको अपॉइंट करने के बाद मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। और एक है आपके पास बेनिफिट बिफोर अपॉइंटमेंट, बताओ क्या इससे मैं एक्सेस बेनिफिट निकाल सकता हूं? यस सर। यस सर। बेनिफिट आफ्टर अपॉइंटमेंट देख लूं और बेनिफिट बिफोर अपॉइंटमेंट देख लूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉई की वजह से मैं क्या कमाऊंगा। अब प्रॉब्लम क्या है वो समझना, जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स का मतलब मैं यहां प्रॉफिट वर्ड बोल रहा हूं, मैं प्रॉफिट ही लिख देता हूं, बेनिफिट्स ऑब्लिक प्रॉफिट्स कैन बी बेस्ड ऑन। अब ये जो बेनिफिट या प्रॉफिट है, ये दो चीजों पर बेस्ड होते हैं, एक तो आपके टारगेट और एक होता है आपका एक्चुअल। टारगेट और एक्चुअल, प्रॉफिट भी दो तरह के होते हैं। देखो, जब भी कोई कंपनी कोई फाइनेंशियल ईयर चालू करती है ना, तो एक टारगेट डिसाइड करती है, बिना टारगेट के आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। मानते हो ये बात?
सर, यानी बजट बनाए जाते हैं, आप समझना मेरी बात को। तो जब बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है, सबसे पहले कंपनी ये डिसाइड करती है कि यार हम इस साल टारगेट क्या कमा लेंगे, हम इस साल टारगेट क्या कमा लेंगे। आइए, तो टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है? टारगेट प्रॉफिट मींस इंडस्ट्रीज नॉर्मल प्रॉफिट, इंडस्ट्रीज नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो, आप बोलो कि यार नहीं, मैं तो टारगेट है मेरा तो कि मुझे तो 200% मिलना चाहिए, तो कोई बेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए टारगेट का? अदरवाइज आप तो एम्प्लॉई के साथ उसका शोषण कर दोगे। अगर टारगेट ही इतना हाई सेट कर दिया तो बोलोगे भैया इतना तो ये दे ही नहीं पाएगा। तो समझ लेंगे कि टारगेट का यहां मतलब क्या होता है किसी भी कंपनी के लिए। लिख लिया क्या? हो गया। आइए, तो मेरी बात को समझेंगे। मेरा यहां टारगेट प्रॉफिट का मतलब है इंडस्ट्रीज नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट डज इट मीन? दैट इज कैपिटल बेस ऑब्लिक कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। ये मेरा नॉर्मली टारगेट प्रॉफिट होता है। एनआरआर इंडस्ट्री की रेट होती है कि भैया अगर कोई भी पर्सन इस बिजनेस में आएगा और अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो 10% की रिटर्न कमा पाएगा। दिस विल बी कॉल्ड टारगेट। तो एक कंपनी टारगेट प्रॉफिट हमेशा इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट में देखती है। कैपिटल बेस हेयर मींस फ्रॉम लाइबिलिटी साइड से अगर मैं कैपिटल बेस पर जाता हूं तो मैंने पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा होगा? शेयर कैपिटल से फंड अरेंज किया और इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, शेयर कैपिटल पेड अप। आज यहां से चालू किया है, जहां से लास्ट क्लास में कवर अप किया था मैंने। मैक्सिमम सैलरी और अपॉइंटमेंट इज वर्थ वाइल और नॉट। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, लॉसेस को एडजस्ट किया जाएगा, डिवेंचर्स ऑब्लिक लॉन्ग टर्म लोन्स और अगर मैं फ्रॉम असेट साइड जाता हूं, फ्रॉम असेट साइड तो टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ये मेरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ गया। इसके ऊपर मुझे इंडस्ट्री की एनआरआर अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे मेरा टारगेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यानी मैं बात कर रहा हूं कि प्रॉफिट्स बेस्ड हो सकते हैं या तो टारगेट या एक्चुअल।
तो अगर वो टारगेट प्रॉफिट है तो टारगेट प्रॉफिट आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टारगेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो कैपिटल बेस इनटू एनआरआर से कैलकुलेट होता है, और कैपिटल बेस क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी एक अप्रोच से निकालोगे, या तो आप लाइबिलिटी साइड का डेटा दे रखा होगा या आपको असेट साइड का डेटा दे रखा होगा। तो आपको जो भी डेटा गिवन है उससे हम कैपिटल बेस निकालेंगे और फिर उस कैपिटल बेस का यूज करके हम टारगेट प्रॉफिट को कंप्यूट कर लेंगे। लास्ट पॉइंट, टू फाइंड आउट मैक्सिमम सैलरी सैलरी इफ प्रॉफिट आफ्टर अपॉइंटमेंट इफ प्रॉफिट आफ्टर अपॉइंटमेंट इज बेस्ड ऑन टारगेट देन we assume that before appointment we assume that before appointment it is based on actual or vice versa। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ये अजम्पशन ली हुई है केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आफ्टर अपॉइंटमेंट आप जो कमाओगे ना वो टारगेट पर बेस्ड होगा, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि बिफोर अपॉइंटमेंट कंपनी एक्चुअल पर काम कर रही थी और उससे अब आप उसको कंपेयर कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो आफ्टर अपॉइंटमेंट का प्रॉफिट एक्चुअल पर बेस्ड है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि कंपनी ये मानकर चल रही है कि अगर हम इसको अपॉइंट न करते तो भी हम अपना टारगेट कमा लेते। इसको अभी मैं प्रैक्टिकली 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा। ये जो लाइन लिखी है आप एक बार लिख लें, फिर मैं आपको ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, बस इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से क्लियर करूंगा। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। एक और चीज इसमें पूछते हैं, उसकी मैक्सिमम बिड प्राइस या कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मैक्सिमम बिड प्राइस या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर मुझे उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट या उसकी जो मैक्सिमम सैलरी है, मैं वो लिख देता हूं एक्स्ट्रा बेनिफिट के बजाय, आपने उसकी मैक्सिमम सैलरी निकाली हुई है, इसको कैपिटलाइज्ड कर दो यानी डिवाइड बाय एनआरआर। बेसिकली सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला हो गया गुडविल का, गुडविल डिवाइड बाय एनआरआर करते हो तो एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से एम्प्लॉई को जो मैक्सिमम सैलरी दे सकते हो डिवाइडेड बाय, अगर उसको मैं एनआरआर कर दूंगा तो मेरे पास एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी।
लिख लीजिए अब यहां तक, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। चलिए भाई, लिख लिया क्या सबने? यस सर। आइएगा क्वेश्चन नंबर टू पर आएंगे आपने। क्वेश्चन नंबर टू सभी ने निकाल लिया क्या? देखिएगा, आपको दे रखा है इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच ऑफ विच 75 हैज बीन कॉल्ड अप। आपके 5,00,000 शेयर्स हैं जिन पर आप 75 रुपए मंगवा चुके हो, लेकिन उसमें से कुछ शेयर्स पर 25 रुपए की फाइनल कॉल अभी तक नहीं आई है, यानी कॉल्स इन अरियर चल रहा है 1,00,000 रुपए का। जनरल रिजर्व दे रखा है 10,00,000, पीएनएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 25,00,000, करंट ईयर का प्रॉफिट 1,80,000, इंडस्ट्री की एनआरआर 12.5%, डिवेंचर की वैल्यू 8,00,000। लॉकडाउन लिमिटेड इज प्रपोजिंग टू हायर द सर्विसेज ऑफ मिस्टर एक्स टू टर्न द कंपनी अराउंड। अंडरलाइन कर लेंगे, टर्न द कंपनी अराउंड। व्हाट डज इट मीन? ये कंपनी लगातार हैवी लॉसेस में चल रही है। जानते हो टर्न अराउंड का मतलब ये होता है, टर्न अराउंड का मतलब ये होता है कि हम बहुत ज्यादा लॉसेस से गुजर रहे हैं। फ्रॉम पास्ट वेरियस ईयर्स, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि केवल इसी बार प्रॉफिट हुआ हमें। एक कंपनी को टर्न अराउंड करना तभी बोला जाता है जब कंपनी ये देख पा रही है कि यार हम कई सालों से पास्ट में हैवी लॉसेस से गुजर रहे हैं और अब हम अपनी कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाना चाहते हैं, तभी वो टर्न अराउंड सिचुएशन कहलाती है, प्रॉफिट मेकिंग। तो कंपनी क्या सोच रही है? अगर मैं एक्स को अपने यहां अपॉइंट कर लूंगा ना, तो टर्न अराउंड सिचुएशन आ जाएगी। यानी एक्स को अपॉइंट करने की वजह से हम लॉसेस से बाहर आएंगे और हमारी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है टर्न अराउंड सिचुएशन ऑफ द कंपनी। आइए, लेकिन अब एक्स ने क्या बोला? एक्स ने बोला मेरी मिनिमम टेक होम सैलरी पर मंथ 4,00,000 रुपए होनी चाहिए। मैं अपने साथ घर पे कितने लेकर जाऊंगा हर महीने? 4,00,000 रुपए। और जानते हो जब घर पे सैलरी ले जाई जाती है तो वो सारे डिडक्शन के बाद होती है। टैक्स कट चुका होगा उसका, उसके ऊपर टैक्स रेट लगती है 25%। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है पीएफ का 50,000 रुपए पर मंथ। एक्स ने क्या बोला है, कंपनी ने क्या सोचा है? अगर हम एक्स को अपॉइंट करेंगे तो हम अपने टारगेट प्रॉफिट के भी ऊपर कमा पाएंगे 10%। यानी समझ रहे हो, जो कंपनी लगातार हैवी लॉसेस की पोजीशन में है वो ये मान रही है कि अगर हम एक्स को अपॉइंट कर देंगे तो न केवल हम टारगेट कमा पाएंगे बल्कि टारगेट के भी ऊपर कमा पाएंगे। अभी तक तो हम टारगेट भी नहीं कमा पा रहे थे क्योंकि हम तो लॉसेस में चल रहे थे। तो यानी मिस्टर एक्स हमारे लिए एक की मैनेजमेंट पर्सनल साबित होगा और हम अपनी कंपनी को टर्न अराउंड सिचुएशन में लाकर प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे।
ये बात कंपनी सोच रही है। आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द प्रपोजल एंड सी वेदर इट इज वर्थ वाइल टू एम्प्लॉय द मिस्टर एक्स एंड ऑल्सो सजेस्ट द मैक्सिमम सैलरी या एमोल्यूमेंट्स टू बी पेड टू हिम। आपको बताना है कि भैया मैक्सिमम सैलरी उसे क्या दे सकते हैं। कुछ नोट दिए हैं, पीएफ कंट्रीब्यूशन टैक्स से एग्जेम्प्ट है और टेक होम सैलरी का मतलब है इसमें से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काटा जा चुका है और इनकम टैक्स का टीडीएस काटा जा चुका है, उसको इन्होंने टेक होम सैलरी बोला है। तो चलिए हमें निकालना है वर्थ वाइल है या नहीं है। तो पहले तो ये निकाल लें, अगर वर्थ वाइल है तो ए पार्ट कॉस्ट टू कंपनी फ्रॉम अपॉइंटमेंट, आइए अगर हम इसको अपॉइंट करते हैं तो हमारे लिए क्या कॉस्ट आएगी। देखो इसकी जो नेट सैलरी बननी चाहिए वो कितनी बननी चाहिए, 4,00,000 × 12 48,00,000 रुपए तो उसकी नेट सैलरी है आफ्टर टीडीएस। इसका मतलब एम्प्लॉयर ने तो उसको ग्रॉस सैलरी ज्यादा दी होगी ना। यस सर, यस सर। टीडीएस फ्रॉम सैलरी बताओ, इसका मतलब उसका टैक्स कितना कट गया होगा। ये जो 48,00,000 है क्या ये 75% है कि नहीं है। 16,00,000 सर। 25,00,000 उसका टैक्स, तो ये 16,00,000 भी तो 16,00,000 तो एम्प्लॉयर ने तो उसे दिए ही होंगे ना उसकी ग्रॉस सैलरी में। यस सर। उसकी ग्रॉस सैलरी क्या आई, 64,00,000 बिफोर टैक्स। 64। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका पीएफ कंट्रीब्यूशन कटा है तो वो भी तो इसकी सैलरी में से ही कटा होगा। यस सर। यस सर। एम्प्लॉयर ने तो वो पैसा भी दिया होगा इसे, प्लस एम्प्लॉयज पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना, 6,00,000। अच्छा एक बात बताओ, एम्प्लॉयर ने अपनी ओन पॉकेट से इसके लिए कंट्रीब्यूशन किया तो इसका बेनिफिट भी तो इसी को मिलेगा। yes, sir. तो क्या आप ये समझ पा रहे हो सीटीसी का मतलब क्या है, कंपनी का जो जो नुकसान है तो कंपनी इस एम्प्लॉय के लिए जो पीएफ जमा करवाएगी वो भी तो कंपनी की कॉस्ट है। Yes, sir. तो बताओ एम्प्लॉयर्स पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 60,000। 6,00,000 हो गया ये भी। Yes, sir. तो बताओ ये आ गया आपके पास सीटीसी, ये कंपनी के ऊपर टोटल कॉस्ट आएगी इस एम्प्लॉय को अपॉइंट करने की। अगर कंपनी इस मिस्टर एक्स को इस 4,00,000 की टेक होम सैलरी पर अपॉइंट करता है तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो कॉस्ट आएगी इसको अपॉइंट करने की वो आएगी 1 साल की 76,00,000 रुपए। अब हम देख तो लें क्या इसकी। हाँ जी अरे पीएफ वाले पॉइंट समझा दो भाई, मुझे बताओ एम्प्लॉयर का पीएफ क्या होता है। जो कंपनी अपने बिहाफ पे जमा कराती है। हाँ, और इसका बेनिफिट किसको मिलता है, एम्प्लॉय को। तो इसका मतलब ये कंपनी की कॉस्ट है कि नहीं उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट। हाँ, तो मैंने उसको जोड़ दिया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो सर एम्प्लॉयज पीएफ क्यों कटा है, इधर जुड़ा है वापस। एम्प्लॉय का भी तो पीएफ कटता है, दोनों का इक्वली तो कटता है पीएफ। और ये मतलब टैक्स के बाद है ना, ये तो
मतलब ये टीडीएस जो था वो हमने उसके बाद इसको ऐड करना क्यों चालू किया है? कहीं भी कर दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, टैक्स तो बनेगा इस सैलरी पर। और मुझे वैसे भी आपको एक बात बताता हूं मैं, तो पहले आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है ना, उसमें से पहले ये सब कटते हैं पीएफ, और ये तभी तो आप इनका एटीसी का डिडक्शन लेते हो। अगर इस पर भी टैक्स दोगे तो फिर एटीसी कहाँ गया आपका? आपका टैक्स किस पर लगता है, पीएफ से पहले लगता है, पीएफ के बाद लगता है डिडक्शन होने के? तो बात इसका मतलब आपने जो टैक्स दिया होगा वो तो 64 पे दिया होगा ना। हाँ सर, भाई आपका पीएफ कटने के बाद जो सैलरी, आपको याद है जब आप ग्रॉस सैलरी निकालते हो तो उसमें एटीसी का डिडक्शन देते हो, फिर उसके बाद टैक्स लगाते हो। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप सोचो, एम्प्लॉयर का तो अलग, एम्प्लॉयर का तो इससे भी लेना देना नहीं था। जो टैक्स लगा होगा वो इसकी कितनी, इसकी सैलरी बनती थी 70 लाख, 70 लाख में से इसका पीएफ कट गया तो टैक्स तो ये 64 पे ही देगा ना, 70 पे थोड़ी दे देगा। हाँ तो इसलिए मैंने रिवर्स ऑर्डर में चला मैं, कि जैसे जैसे प्रोसेस हुआ वैसे वैसे मैंने उसको ऐड बैक किया। अब एम्प्लॉयर का इसलिए जुड़ा क्योंकि एम्प्लॉयर जब खर्चा कर रहा है तो एम्प्लॉयर का खर्चा तो बढ़ ही रहा है और उसका बेनिफिट मिला टैक्स को ही, तो इसके सीटीसी में भी मिलेगा। और मान लो और भी फैसिलिटी मिल रही होती तो सीटीसी में सब जुड़ता। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप उसको एकोमोडेशन की फैसिलिटी दे रहे हो तो सीटीसी में वो जुड़ता कि नहीं जुड़ता? जोड़ता सर। भाई सीटीसी का मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। अगर मान लो आपको कोई सर्वेंट की फैसिलिटी दी गई जिसका पैसा कंपनी देगी, फैसिलिटी आप उठा रहे हो पैसा कंपनी दे रही है, तो ये आपका तो बेनिफिट ही हो गया ना, तो आपके सीटीसी का पार्ट होता है वो सब। तो ये हमारे पास आ गया सीटीसी का अमाउंट 76 लाख। क्लियर? बिल्कुल। आओ अब मुझे ये दे रखा है कि अगर मैं इसको अपॉइंट करूंगा तो ये मुझे टारगेट के ऊपर 10% कमा कर देगा, यानी प्रॉफिट आफ्टर अपॉइंटमेंट। प्रॉफिट आफ्टर अपॉइंटमेंट क्या होगा? टारगेट प्लस 10%। अब टारगेट अगर मुझे निकालना है तो टारगेट कैसे निकलता है? कैपिटल बेस इंटू एनआरआर, अभी आपको मैंने बताया था यस सर, टारगेट को निकालने का तरीका यही है, कैपिटल बेस इंटू एनआरआर। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी अप्रोच की इंफॉर्मेशन दी हुई है या असेट अप्रोच की इंफॉर्मेशन दी हुई है? लाइबिलिटी अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच। तो आइएगा अब अपन निकालते हैं पहले कैपिटल बेस। कैपिटल बेस निकालते सबसे पहले मुझे बताओ पेडअप कैपिटल कितनी है आप? सुनना ध्यान से, आपके 5 लाख शेयर्स थे जिस पर कंपनी ने 75 रुपए कॉल किए, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपए आपको रिसीव नहीं हुए, तो यानी आपकी पेडअप कैपिटल है 3 करोड़ 74 लाख। ये आपकी पेडअप कैपिटल। जनरल रिजर्व बताइए कितना था आपका? 10 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 1 लाख 80 नेगेटिव। टोटल लिख दूं 25 और 1 26 लाख 80 हजार। बिगिनिंग का बैलेंस दे रखा है यस और सर, करंट ईयर का भी दे रखा है, तो मैंने एक साथ लिख दिया पूरा पीएनडल का बैलेंस। मेरा लॉस है 26 लाख 80 हजार, 25 लाख का ओपनिंग बैलेंस और 1 80 का करंट ईयर का लॉस। उसके बाद डिवेंचर्स कितने हैं?
आठ लाख डिवेंचर हैं 10 रुपए वाले, तो 80 लाख के डिवेंचर की वैल्यू हो गई। लीजिए ये आपका कैपिटल बेस आ गया, ये आपका कैपिटल बेस आ गया। बताइए सर ये इंडस्ट्री एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी किस काम आएगी हमारे? एनआरआर, एनआरआर सर, एनआरआर 10%। एनआरआर, एनआरआर 10 नहीं है भाई, प्रॉफिट आफ्टर अपॉइंटमेंट है, टारगेट प्लस 10%। ओके सर। और टारगेट प्रॉफिट के लिए एनआरआर चाहिए, वो इंडस्ट्री की रेट होती है 12.5%। तो कैपिटल बेस कितना आ गया? 4,37,20,000, ये आपका कैपिटल बेस आ गया। तो आइए अब अपन निकाल लेते हैं टारगेट प्रॉफिट। इस पर निकाल दो 12.5%, ₹54,65,000। अब इसने बोला है इसमें मैं प्लस इंक्रीज कमा कर दूंगा एट द रेट 10, तो बताओ कितना कमाएंगे आफ्टर अपॉइंटमेंट 6011। ये लीजिए, अगर मिस्टर एक्स को अपॉइंट करता हूं तो कंपनी के लिए कॉस्ट टू कंपनी है 76 लाख, लेकिन उसको अपॉइंट करने की वजह से मैं कमाऊंगा 60,11,500। बताओ इज इट वर्थ वाइल टू अपॉइंट मिस्टर एक्स और नॉट? नो सर। इज इट वर्थ वाइल? नो सर। नहीं, एक ही जना बोल रहा है, बाकी पता ही नहीं कहां है सारे। चलो आप लोग इंटरेक्शन नहीं करते हो, ये बाद में आपको बहुत दुख देगा। किया करो, पता नहीं क्यों शर्माते हो आप, अब तो इतने बड़े हो गए। हां जी, तो क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो लिख दीजिए डिसीजन, इज इट, सॉरी, इट इज नॉट वर्थ वाइल, इट इज नॉट वर्थ वाइल टू अपॉइंट मिस्टर एक्स। अच्छा अब बताओ, अगर उसे अपॉइंट करते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसे क्या दे सकते हो आप? 60,11,500। यहां पर अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, जो मुझे आपको बताना है। आपको मैंने बताया था मैक्सिमम सैलरी के लिए आप आफ्टर अपॉइंटमेंट माइनस बिफोर अपॉइंटमेंट करते हो, लेकिन टर्न अराउंड सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, और यही लाइन मैंने आपको वहां लिखवाई थी। आप सोचिए, पहले आप कमा कहां रहे थे जो आप माइनस करना चाहते हो प्रॉफिट बिफोर अपॉइंटमेंट? समझ रहे हो आप मेरी बात को? आप पहले क्या कर रहे थे, किस पोजीशन पर थी आपकी कंपनी? हैवी लॉस। हैवी लॉस, तो जानते हो इसका मतलब अगर आप मिस्टर एक्स को अपॉइंट करते हो ना, तो ये सारा का सारा बेनिफिट उसी की वजह से मिल रहा है। बिफोर अपॉइंटमेंट तो यू आर नॉट एबल टू अर्न एनी प्रॉफिट, इसीलिए ऐसी सिचुएशन को टर्न अराउंड सिचुएशन बोला जाता है। तो टर्न अराउंड सिचुएशन में ध्यान रखना, जो भी आफ्टर अपॉइंटमेंट का प्रॉफिट है वही आपका मैक्सिमम सैलरी बनती है। उसका रीजन ये है कि टर्न अराउंड सिचुएशन में आप अपॉइंटमेंट से पहले कुछ कमा ही नहीं रहे होंगे। एक्स्ट्रा कमाई की बात तो तब आती है जब आप पहले कुछ कमा रहे थे और अब कुछ एक्स्ट्रा कमाने लग जाओ, तो ये आपके पास टर्न अराउंड सिचुएशन का क्वेश्चन बन गया। सर, हाँ जी सर, ये समझ में नहीं आ रहा है, एंड में इसका जो डिसीजन दिया है कैसे दिया है? अरे कंपनी का उसको अपॉइंट करने का खर्चा कितना हो रहा है? एक तो सर ये 12.5% देखना है मेरे को, ये 12.5। एक मिनट करण, रुको, वहीं रुक जाओ आपके क्वेरी को। मैं पहले जो पूछ रहा हूं वो बताओ, ये 76 लाख क्या है मुझे तो ये बताओ।
कॉस्ट टू कंपनी क्या होती है? कॉस्ट टू कंपनी का मतलब समझाओ, एम्प्लॉय को रखने का खर्चा। यानी कंपनी को इतना खर्च करना पड़ेगा ना अगर वो मिस्टर एक्स को अपॉइंट करेंगे तो। हाँ अब मैं ये देख रहा हूं कि मिस्टर एक्स को अपॉइंट करने से कंपनी को फायदा क्या होगा। तो मिस्टर एक्स ने बोला, एक तो मैं आपको आपका टारगेट प्रॉफिट कमा कर दूंगा, और टारगेट के ऊपर 10% और कमा कर दूंगा। ये देखो क्लियर लिखा हुआ है, प्रॉफिट कमाओगे ओवर एंड अबव द टारगेट एक्सपेक्टेड बाय हायरिंग द मिस्टर एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मिस्टर एक्स को अपॉइंट करते हो तो एक तो वो आपको टारगेट कमा कर देगा और एक 10% एक्स्ट्रा कमा कर देगा। तो मैंने ये निकाल लिया कि उसकी वजह से कमाई कितनी होगी। अब पूछो क्या पूछना है। सर एनआरआर का। एनआरआर होती है इंडस्ट्री की रेट, कि अगर आप इस कंपनी के बिजनेस में लगे हुए हो तो भैया जो भी लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं वो 12.5% कमा लेते हैं, तो आप भी कमा लोगे। ये किधर लिखा हुआ है दिख नहीं रहा ना क्वेश्चन में अभी। क्वेश्चन में देखो ना, आपके पास नोट्स होंगे। 12.5% देखो, इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबिलिटी रेट 12.5%, अच्छा इंडस्ट्री की रेट को ही एनआरआर बोलते हैं हम। सर, हाँ जी सर आपने बोला यदि ये टर्न अराउंड की सिचुएशन होती तो हम हाँ, ज्यादा से ज्यादा 6,11,500 दे सकते हैं, बिल्कुल। टर्न अराउंड की सिचुएशन है इसलिए ये दे सकते हैं पूरा। यदि सिचुएशन नहीं होती तो हम इससे ज्यादा देते हैं क्या? से ज्यादा नहीं, तब क्या तो आप ऐसे निकालते ना, आफ्टर अपॉइंटमेंट का प्रॉफिट माइनस बिफोर अपॉइंटमेंट का प्रॉफिट। और जितना इंक्रीमेंट होगा तो उसकी सैलरी में उतना एडिशन हो बस जाएगा। मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि नॉर्मली तो एक एम्प्लॉई को मैक्सिमम आप क्या देते हो, आफ्टर अपॉइंटमेंट माइनस बिफोर अपॉइंटमेंट ही दोगे हमेशा। लेकिन अब मैं आपसे चलो पूछता हूं, इसका बिफोर अपॉइंटमेंट बताओ, अगर कंपनी इसे अपॉइंट न करती तो कंपनी क्या प्रॉफिट कमा रही थी? जीरो जीरो। ऑटोमेटिक लॉस था ना, यानी प्रॉफिट तो जीरो था। सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये पूरा का पूरा प्रॉफिट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ही हो गया। सर मतलब यदि बिफोर प्रॉफिट में यदि दोनों के कंपैरिजन में 4 लाख का प्रॉफिट कमाती है यदि कंपनी तो सीटीसी इसकी 80 लाख तक जा सकती थी। सीटीसी 80 लाख क्यों जा सकती थी? यदि प्रॉफिट कंपेयर करने पे कंपनी को 4 लाख का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होता एक तो मिनट एक मिनट, प्रिंसिपल। रुको रुको। 4 लाख का प्रॉफिट किससे ज्यादा? मैं समझा नहीं। अभी प्रॉफिट टारगेट ये आ रहा है, अब आप बताओ एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा होता है पहले का, अपॉइंटमेंट से पहले का? 55 लाख आ रहा होगा 65 आ रहा होगा। तो तो फिफ्टी आप ये फाइव सोच फिफ्टी लो, फाइव 65 फिफ्टी फाइव 55 आ रहा होगा। तो पहली चीज तो अब ये टर्न अराउंड सिचुएशन ही नहीं बनी, यस सर। तब तो 5 लाख से ज्यादा ही नहीं दे सकते आप उसे, तो कौन सा 76 लाख से कंपेयर करते फिर आप बताओ। कर लो भाई, मैं ये बोल रहा हूं कंपनी के क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। अगर टर्न अराउंड सिचुएशन है ना तो ही सीटीसी के पॉइंट आएंगे जनरली आपके पास, वरना यस सोचो आप कर निकाल भी लोगे ना अगर सीटीसी, और अगर आपको अपॉइंटमेंट के पहले के प्रॉफिट दे रखे हैं तब तो इंक्रीमेंटल से ज्यादा आप उसे दे ही नहीं सकते। यस सर। आप जानते हो एक्स्ट्रा बेनिफिट एक एम्प्लॉई को कब देते हो? जब वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैनेजरियल की मैनेजरियल पर्सन होता है, और इसीलिए ये आपकी कंपनी की टर्न अराउंड सिचुएशन बनती है। यानी मैंने जो रूल लिखवाए थे ना, अब आप जरा आओ ये बना लिया आपने पहले सारा, यस सर। यस सर। अब है ना, आप अपनी चार्ट को निकालो यस जो सर। मैंने जो बनवाया था। अब उस चार्ट में जाओ, मैंने आपको क्या लिखवाया कि मैक्सिमम सैलरी क्या होती है बताओ जरा। मैक्सिमम सैलरी के पॉइंट पर जाओ, क्या लिखा है आपने? सब प्रॉफिट बिफोर अपॉइंटमेंट और आफ्टर अपॉइंटमेंट कंपेयरिंग करके। यस कंपैरिजन क्लियर है, ये सबको मिल गया, वहां नोट्स में लिखा हुआ आपके। सर। अब जरा आओ वर्थ वाइल की सिचुएशन में मैंने जो नोट डाला था वो आओ पढ़ो, उस नोट को पढ़ो, केवल पढ़ो एक जना कोई भी। इफ अपॉइंट, अपॉइंटमेंट अब दोनों ही रुक गए नालायक। पढ़ो पढ़ो। इफ अपॉइंटमेंट इज फॉर टर्न अराउंड सिचुएशन देन ऑल प्रॉफिट्स आर कंसीडर्ड एज बेनिफिट। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर टर्न अराउंड सिचुएशन होगी तो जितना बेनिफिट कमाओगे वो पूरा का पूरा कंसीडर करोगे आप, यानी इसमें से कभी भी माइनस करने की सिचुएशन ही नहीं आएगी आपकी।
आ ही नहीं सकती, तभी तो उसे टर्न अराउंड बोलेंगे। मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ, बस कंपेयर ही जीरो से कर रहे थे अपन, इसीलिए क्या कंपेयर ही जीरो से कर रहे हैं इसीलिए, बिल्कुल बस यही इस प्रॉफिट से ही हम कंपैरिजन करेंगे इसका। हाँ, क्योंकि आप समझो पहले का प्रॉफिट इस सिचुएशन में हो ही नहीं सकता, वरना उसे टर्न अराउंड थोड़ी बोल दोगे, फिर तो नॉर्मल सिचुएशन हुई। वो तो नॉर्मल सिचुएशन हुई कि पहले 60 कमा रहे थे अब 65 कमा रहे हो आप, इसे टर्न अराउंड थोड़ी बोलते हैं। टर्न अराउंड सिचुएशन का मतलब ही यही होता है कि वो पर्सन आपकी कंपनी को हैवी लॉसेस से बाहर लाएगा और प्रॉफिट कमाएगा। और अदरवाइज जहां टर्न अराउंड नहीं होगी ना, आप देख लेना वहां पर हर बार मैं उसकी सैलरी ऐसे ही निकालूंगा, आफ्टर अपॉइंटमेंट का प्रॉफिट माइनस बिफोर अपॉइंटमेंट का प्रॉफिट, तो आंसर आते जाएंगे। अब मैं आपको उस तरह के क्वेश्चन करवाता हूँ। पहले ये नोट भी इसमें एप्लीकेबल हो रहा है क्या? क्या चीज? सेकंड नोट भी इसमें एप्लीकेबल हो रहा है क्या? सेकंड नोट हो गया ना, क्योंकि टर्न अराउंड सिचुएशन थी ना ये। नहीं सर, सेकंड नोट जो टारगेट प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का था। नहीं नहीं, वो तो यहाँ पर वो इसमें लगेगा ही नहीं। आप सेकंड नोट पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। टू फाइंड आउट मैक्सिमम सैलरी विद इफ प्रॉफिट आफ्टर अपॉइंटमेंट इज बेस्ड ऑन टारगेट, हां देन वी अज्यूम दैट बिफोर अपॉइंटमेंट इज, तो बिफोर अपॉइंटमेंट का प्रॉफिट तो तभी आएगा ना जब टर्न अराउंड सिचुएशन नहीं होगी आपके पास। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। पता है, वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे उससे क्लियर होगा। यानी अब मेरी समरी रूल सुन लेना, जब भी आपका क्वेश्चन टर्न अराउंड सिचुएशन का आएगा तो टर्न अराउंड में जो आफ्टर अपॉइंटमेंट के प्रॉफिट हैं दैट विल बी कंसीडर्ड टोटली एक्स्ट्रा प्रॉफिट, क्योंकि टर्न अराउंड पूरा का पूरा उसकी वजह से हुआ है। बोलो क्लियर अब ये रूल? यस सर, यस सर। अब दूसरा रूल, अगर टर्न अराउंड सिचुएशन नहीं है, अगर टर्न अराउंड सिचुएशन नहीं है यानी नॉर्मल सिचुएशन है, तो हमेशा ध्यान रखना उसकी मैक्सिमम सैलरी दो प्रॉफिट का डिफरेंस ही होगा। आफ्टर अपॉइंटमेंट का प्रॉफिट निकालो, बिफोर अपॉइंटमेंट का प्रॉफिट निकालो, और इसका गैप जो होगा वही उसकी मैक्सिमम सैलरी होगी। बस दो के अलावा तीसरा कोई केस नहीं है। Yes, sir. चलो अब अपन और क्वेश्चन करते हैं तो इससे और क्लियर होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 5। देखो उसने क्या बोला है, अ कंपनी हैज अ कैपिटल बेस ऑफ 1 करोड़ ऑन बैलेंस शीट डेट। लीजिए, आपको कैपिटल बेस दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 1 करोड़, और कंपनी ने प्रॉफिट भी कमाया है, यानी कंपनी अब टर्न अराउंड सिचुएशन में नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी क्या कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है। ये प्रॉफिट एक्चुअल होगा क्योंकि आप बैलेंस शीट बना चुके हो तो कमा चुके होगे ये प्रॉफिट 11 लाख। बोलो क्लियर ये दोनों बातें? यस सर। आओ, कंपनी की आरओआई जो कि इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वो 12.5% है। बताइए एनआरआर कितनी हो गई आपकी? 12.5%। 12.5% आपकी एनआरआर। अब सुनो, इफ द सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव आर एक्वायर्ड बाय द कंपनी, इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 2.5 लाख ओवर एंड अबव द टारगेट रेट ऑफ 12.5% ऑन इट्स कैपिटल बेस। बताओ आफ्टर अपॉइंटमेंट के प्रॉफिट टारगेट पर बेस्ड है या एक्चुअल पर बेस्ड है? टारगेट। क्लियरली लिखा हुआ है अगर अपॉइंट कर लेते हो तो आपके प्रॉफिट टारगेट के ऊपर 2.5 लाख बढ़ जाएंगे। आओ, तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे ए पॉइंट में चाहिए प्रॉफिट आफ्टर अपॉइंटमेंट।
कि भैया आफ्टर अपॉइंटमेंट का प्रॉफिट मेरा क्या होगा। तो आफ्टर अपॉइंटमेंट का प्रॉफिट निकालने के लिए पहले मुझे चाहिए टारगेट, क्योंकि टारगेट में 2.5 लाख ज्यादा बोला है। टारगेट कैसे निकालूंगा? 1 करोड़ का 12.5%। 1 करोड़ का 12.5%, बताओ कितना आया? 12,50,000। 12,50,000। लेकिन उसने बोला है केवल टारगेट नहीं कमाओगे, इसमें इंक्रीज भी करके दूंगा मैं 2,50,000। तो बताओ आफ्टर अपॉइंटमेंट मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 15 लाख। आफ्टर अपॉइंटमेंट, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है अब आपको? ये ए पॉइंट आ गया। नो सर। अब मुझे बताओ नोट नंबर 2 पढ़कर, पढ़ो एक जन। हाँ जी, एक बार ये वाली चीज बता दिए, आफ्टर अपॉइंटमेंट कैसे पता चला? देखो ना, If the services of a executive are acquired, तो ऐसा होगा। अगर हमें मतलब services मिल जाएंगी उसके बाद ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल, पढ़ो देखो इस लाइन को वापस। क्लियर? यस। आओ अब मुझे ढूंढना है बी पॉइंट। ये assume किया जाएगा कि पुराना प्रॉफिट एक्चुअल पे ही होगा। बिल्कुल, प्रॉफिट बिफोर अपॉइंटमेंट। Now, अब मैंने आपको नोट नंबर 2 लिखवाया, अगर आफ्टर का प्रॉफिट टारगेट पर बेस्ड है तो अज्यूम करना है इस चैप्टर के लिए कि पहले actual वाला एक्चुअल होगा। तो पहले वाला एक्चुअल कितना दे रखा है? 11 लाख। बताइए एक्सेस कितना आ गया? 4 लाख। तो बताओ उसकी मैक्सिमम सैलरी क्या बनी? 4 लाख। और साल भर की ये बनी तो मंथली कितनी बनी? उसकी मंथली पूछी है। 4 लाख पूरे साल का एक्सेस है, डिवाइड बाय 12। बताओ मंथली 33,333.33 है ना? यस सर। ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। 33,333 ज्यादा हो गया ये तो। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इससे ज्यादा हम देंगे नहीं क्योंकि टर्न अराउंड सिचुएशन है नहीं अभी हमारे लिए, तो हम इससे ज्यादा इसको दे नहीं सकते सर। हाँ जी सर, ये तो एक तरीके से देखा जाए इमेजिनरी सिचुएशन हुई कि अब एक जब कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉइज होंगे तो हर किसी का थोड़ी प्रॉफिट निकालने बैठेगी वो। हाँ तो आप, अरे तो अपन यही तो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर, ये चैप्टर को रिकॉग्नाइज ही नहीं है ना, तो मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था। अब टॉपिक है इसलिए हमें करना है क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आएगा। आप सोच के देखो ना, ये 11 लाख केवल एक एम्प्लॉय की वजह से थोड़ी होगा, वही तो। बट हम तो मान रहे हैं कि उसी की वजह से है, बस खत्म। यही तो सारे अजम्पशंस चल रही हैं, इसीलिए तो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई अकाउंटिंग अभी तक। ठीक है सर। हाँ जी, अगर ये एक्सेस नहीं आता तो फिर हम मतलब अपॉइंट भी नहीं करेंगे। अपॉइंट ही नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल अपॉइंट ही नहीं होता। चलें और आगे करें क्वेश्चन। यस सर। चैप्टर yes, खत्म हो गया है आपका, बस अपने को क्वेश्चन करने हैं ताकि कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, मैक्सिमम बिड प्राइस निकाल रहे हैं, बिल्कुल। अब उसने पूछा है बिड प्राइस भी निकालो, तो आइए बिड प्राइस का तो फॉर्मूला है ही हमारे पास। उसके वजह से मैक्सिमम बेनिफिट एक साल का मिला 4 लाख डिवाइडेड बाय एनआरआर यानी 12.5%। बताइए उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या आ गई? 32 लाख। ये उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू या बिड प्राइस है। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अगर इस एम्प्लॉई को हर साल 4 लाख ही देता रहूंगा तो ये उसके सभी फ्यूचर पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। बिल्कुल, अगर आप 4 लाख उसे देते रहोगे जब तक वो आपके यहाँ रहेगा, टिल परपीच्युटी माना जाता है इसको, तो ये उसकी टोटल वर्थ आती है। बट अब देखो टिल परपीच्युटी तक तो कोई एम्प्लॉई काम कर ही नहीं सकता, ठीक है ना?
तो अब आप उल्टे सीधे मत दिमाग में लाना, कोई बात नहीं, नहीं कर सकता, बट ये फॉर्मूला इसी तरह से बनाया भाई, एक एम्प्लॉय की काम करने की तो लिमिट होगी ना, या टिल परपीचुटी तक काम करवाते रहोगे उससे? यस सर, एक एज में तो रिटायर हो ही जाएगा बेचारा। चलिए बट ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने उनको निकाला है बस। बताइए सर, पर ये तो सिर्फ वो हो गया ना, 8 साल का। 8 साल का कैसे हो गया? 32 लाख आया ना। अरे 32 लाख नहीं आया, उसकी पीवी निकाली होंगी, निकालो आज 4 लाख को 8 लाख की पीवी निकलती है 32 लाख। अच्छा, अगर आप 8 साल तक निकालोगे तो 32 लाख नहीं आएगा पीवी का टोटल। जब आप 12.5% की डिस्काउंटिंग करोगे ना तो 32 लाख कितने सालों में आएगा, ये उसकी वैल्यू है पूरी। सर हाँ जी, यदि प्रॉफिट बिफोर अपॉइंटमेंट को यदि अपन को टारगेट पे लेके जाना होता तो अपन क्या 12.5 से इनटू को देते क्या? अभी अभी मैं आ रहा हूँ, उसके क्वेश्चन नंबर 6 है उसका। ओके सर, मैंने दोनों क्वेश्चन ये इसी तरह से डाले हुए कंपैरिजन पर्पस से, आपको तो ये देखना है बस ये किस पर बेस्ड है। अगला yes, दूसरा वाला तो ऑटोमेटिकली पता लग जा गया, लग जाएगा। yes, बोलो, ये वाला क्वेश्चन हो गया सबका? yes, sir. चलिए 6 पर आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। आओ, एन ऑल इक्विटी कंपनी हैज फिक्स्ड असेट वैल्यूड 14 लाख एंड द वर्किंग कैपिटल इज 3 लाख। आइए असेट अप्रोच से कैपिटल बेस निकालना है। कैपिटल बेस, मेरा कैपिटल बेस का असेट अप्रोच का फॉर्मूला होता है फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो मैं इसे बोल सकता हूं फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, बोल सकता हूं कि नहीं? yes, क्योंकि आपको ये पता yes, है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल होती है। yes, तो लीजिए, मुझे फिक्स असेट तो दे रखी है 14 लाख और वर्किंग कैपिटल दे रखी है 3 लाख, तो मेरा कैपिटल बेस कितना आ गया? 17 लाख। ये लीजिए, मेरे पास मेरा कैपिटल बेस मिल गया मुझे। आइए, और कंपनी का प्रॉफिट भी दे रखा है, तो अगर प्रॉफिट दे रखा है तो ये एक्चुअल हो गया। यस सर, एक्चुअल कितना? 2,40,000। यानी एट प्रेजेंट कंपनी 240 कमा रही है, तो टर्न अराउंड सिचुएशन तो नहीं हो सकती अभी। और 17 लाख का कैपिटल बेस है। आओ सुनना, इफ कंपनी एम्प्लॉय मिस्टर एम, यानी आफ्टर अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, यस सर, देन कंपनी के एनुअल प्रॉफिट 90,000 से बढ़ जाएंगे। अब बताओ, टारगेट बढ़ रहे हैं या एनुअल प्रॉफिट बढ़ रहे हैं? एनुअल प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। बताओ, प्रॉफिट आफ्टर अपॉइंटमेंट मिल गया मुझे 3,30,000 प्रॉफिट आफ्टर। प्रॉफिट आफ्टर अपॉइंटमेंट कितना लिख दूं? 240 प्लस 90,000 कितना हो गया? 3,30,000। अब बताओ, आफ्टर अपॉइंटमेंट का प्रॉफिट किस पर बेस्ड है? एक्चुअल पर? एक्चुअल पर। एक्चुअल पर, तो बिफोर वाला किस पर बेस्ड होगा? टारगेट पर। खत्म, बस ये लो आंसर आ गया। प्रॉफिट बिफोर अपॉइंटमेंट, आ जाओ एनआरआर ढूंढो कितनी है। 15% कैपिटल बेस 17 लाख, उसका 15%, बताओ कितना हुआ? 2,55,000। 2,55,000। बताओ एक्सेस क्या कमा रहे हो? निल है। ओके सर, 3,30,000 - 2,55,000 कितना हुआ? 75,000। 75,000। सबसे पहले पूछा है मैक्सिमम बिड, तो बिड निकाल दो। बिड प्राइस इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख। 75 लाख
यस सर। और मैक्सिमम सैलरी बताओ, मंथली सैलरी उसकी। पिचहत्तर हजार डिवाइड बाय 12 6250 पर। सर ये प्रॉफिट बिफोर अपॉइंटमेंट समझ में नहीं आया। अरे करण नोट पढ़ो, जो मैंने अजम्पशन लिखवाई है आपको, केवल दो ही प्रॉफिट होते हैं, एक एक्चुअल पर एक टारगेट पर, ये क्लियर है? हाँ। अब मैंने नोट लिखवाया है, अगर आफ्टर अपॉइंटमेंट एक्चुअल पर बेस्ड होगा तो अज्यूम करना है कि बिफोर वाला टारगेट पर बेस्ड होगा। हाँ। तो अब ये वाला एक्चुअल पर बेस्ड है कि नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बिफोर वाला किस पर बेस्ड हो जाएगा? टारगेट पे। और टारगेट कैसे निकलता है? कैपिटल बेस इंटू एनआरआर। हाँ। ये दोनों वाइस वर्सा चलेंगे। आप फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, वहां पर आफ्टर अपॉइंटमेंट टारगेट पर बेस्ड था, देखो फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ सर। तो मैंने बिफोर वाला एक्चुअल लिया था, बट वो सर मैं ये कह रहा हूँ, जो 240,000 है वो भी तो एक्चुअल लिखा हुआ है हमने। हाँ तो एक्चुअल आ गया ना, ये रहा देखो प्रॉफिट आफ्टर अपॉइंटमेंट 240 में ही तो मैंने 90 जोड़ के 330 निकाला है। आप करंट उस नोट को नहीं समझ पा रहे हो, मेरी बात फिर ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूं अगर आफ्टर अपॉइंटमेंट का प्रॉफिट एक्चुअल पर बेस्ड निकालोगे तो बिफोर वाला टारगेट पर बेस्ड होगा, और अगर आफ्टर अपॉइंटमेंट टारगेट से निकालोगे तो बिफोर अपॉइंटमेंट वाला एक्चुअल पर बेस्ड होगा। ये दोनों अपोजिट चलेंगे हमेशा। हाँ सर वो तो मैं समझ गया। हाँ मैं कह रहा हूँ कि अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने प्रॉफिट बिफोर अपॉइंटमेंट 240,000 रुपए कमाया, हाँ बिल्कुल, तो वो तो एक्चुअली रहेगा ना, तो उसकी जगह अपन अपॉइंटमेंट में मतलब 90,000 को टारगेट माने या तो फिर। नहीं नहीं क्यों मानोगे, उसने क्या बोला है पढ़ो, मैं 2,50,000 रुपए, सॉरी मैं 90,000 रुपए को एनुअल प्रॉफिट में इंक्रीज करवाऊंगा, तो यानी आफ्टर अपॉइंटमेंट वो 240 तो देगा ही देगा अगले साल भी कमाकर, और 90 और ज्यादा देगा। ऐसा नहीं होगा अगले साल केवल 90 ही देगा क्या अगले साल को? इंक्रीज बाय का मतलब नहीं, बताओ। वही कह रहा हूँ इंक्रीज कराएगा। मतलब एक तो गारंटी दो चीज पे दे सकता है, एक तो एक्चुअल पे दे सकता है हाँ और एक टारगेट पे दे सकता है। तो बिल्कुल ये हो सकता है ना कि उसको ये वो यही बोले कि 240 को 90 बना दूंगा और ऐड कर दूंगा। हाँ 240 से 90 बढ़ा के दिलवाऊंगा तो 330 कमा कर दूंगा। हाँ। ये बोल रहा है वो। हाँ तो ये नया टारगेट हो गया ना। हाँ बिल्कुल। अब तीन लेकिन ये आफ्टर अपॉइंटमेंट कमाओगे ना भाई, आफ्टर अपॉइंटमेंट 330, ये समझ आ गया आपको? हाँ। अब मैं पूछ रहा हूं, आप बोल रहे हो कि बिफोर अपॉइंटमेंट यहां 240 आना चाहिए। हाँ। क्यों आना चाहिए? 240 तो पिछले साल कमाया, आप ये कैसे कहोगे कि अगले साल भी 240 ही कमाओगे? इसलिए समझना कंपनी क्या बोलेगी उसको, समझो। कंपनी बोलेगी हमने भले ही पिछले साल 240 कमाया बट हम नॉर्मली तो अपनी इंडस्ट्री के एनआरआर से ही कमाते होंगे ना। तो यहां पर कंपनी समझो ये करंट ईयर के लिए नहीं निकाल रहा हूं, ये फ्यूचर का निकल रहा है, तो फ्यूचर में कंपनी दोबारा 240 ही कमाती क्या अगर खुद काम करती तो? नहीं नहीं कितना कमाती एटलीस्ट एनआरआर पर? चार की। हाँ तो बस मैंने उस तरीके से लिया। एक्चुअली में यहां पर इसीलिए मैंने वो अजम्पशन लिखवाई कि क्वेश्चन करते समय आपसे ये गड़बड़ ना हो। हालांकि ठीक है, अगर मैं ये मान लूं इस क्वेश्चन को करते समय कि वो अभी 330 कमाएगी आफ्टर अपॉइंटमेंट, और यही मानूं कि ये 240 कमाएगा बिफोर अपॉइंटमेंट, तो फिर 90,000 ही आपका आंसर बनेगा। बट प्रॉब्लम ये है, जब आपके ये एग्जाम में आया तो
तो इन्होंने इसको उसी अजम्पशन पर सॉल्व किया जो अजम्पशंस चल रही थी इस चैप्टर की, इसीलिए मैंने आपको वो अजम्पशन लिखवाई ताकि आपके सारे क्वेश्चन जब आप देखते हो तो फिर एक वेरिएशन अराइज ना हो। तो अजम्पशन बेस्ड चैप्टर है ये बिल्कुल, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पे चला गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अ कंपनी हैज अ कैपिटल बेस ऑफ 1 करोड़ एंड हैज अर्न प्रॉफिट ऑफ 11 लाख। एक करोड़ 50 लाख और एक्चुअल प्रॉफिट क्या कमा रहे हो आप? 11 लाख। 11 लाख कमा रहे हो। एनआरआर कितनी दे रखी है? 12%। अब सुनना, टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिक्रूट अ वाइस प्रेसिडेंट for which it has received several applications, out of which two executive were shortlisted whose proposals were as follows. हमें कंपनी के लिए वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करना है, हमने कई सारी एप्लीकेशंस मंगवाई और दो लोगों को सेलेक्ट किया है। मिस्टर राम जो डिमांड कर रहे हैं 7.5 लाख की सैलरी के और प्रपोज करते हैं कि मैं टारगेट प्रॉफिट तो कमाकर दिलवा ही दूंगा। दूसरा मिस्टर श्याम, वो डिमांड कर रहा है 4.5 लाख के और वो बोल रहा है कि मैं करंट प्रॉफिट में इतना इंक्रीज करवा दूंगा, मैं करंट प्रॉफिट में 50% का इंक्रीज करवा दूंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज हूज प्रपोजल इज मोर बेनिफिशियल टू द कंपनी, यानी दोनों में से कौन सा एम्प्लॉई वर्थवाइल है। तो देखिएगा, सीटीसी दे रखा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट निकाल लो, हम निकाल सकते हैं। आओ राम और श्याम बताओ, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं सीटीसी, तो राम के लिए अगर अपॉइंट करते हो तो कंपनी का खर्चा कितना होगा? 7.5 लाख, क्योंकि और कोई पॉइंट दिया हुआ ही नहीं है। और श्याम को अपॉइंट करोगे तो कंपनी का खर्चा कितना होगा? 4,50,000। तो ये तो कॉस्ट टू कंपनी आ गई। बोलो एग्री? यस सर। यस सर। अब हमें निकालना है इंक्रीज इन बेनिफिट। क्या ये टर्न अराउंड सिचुएशन है क्या? नो सर। तो अगर टर्न अराउंड नहीं है तो इंक्रीज निकालना ही पड़ेगा। आओ बस देखो, सारे क्वेश्चंस मैंने इसी तरह के डाले हुए हैं कि आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो जाए। अब टर्न अराउंड नहीं है, अगर टर्न अराउंड नहीं है तो मुझे हर हालत में इंक्रीज निकालना पड़ेगा। देखो इसने क्या बोला था, मैं टारगेट कमा कर दूंगा, तो बताओ आफ्टर अपॉइंटमेंट राम के हिसाब से क्या कमाओगे? 18 लाख। बोलो यहां तक क्लियर? अगर आफ्टर अपॉइंटमेंट टारगेट पर बेस्ड है तो बिफोर वाला किस पर बेस्ड होगा? एक्चुअल। बताओ एक्चुअल कितना है? 11 लाख। तो बताओ इसकी वजह से कितना एक्सेस कमाया? 7 लाख। ये लो सौरभ, आपकी वो क्वेरी भी यहां सॉल्व हो गई। अब यस सर।
क्योंकि टर्न अराउंड नहीं है इस कंपनी में अब, तो 7 लाख, तो इसकी वजह से बेनिफिट मिला 7 लाख। कंपनी इसे अपॉइंट करती है तो इसकी वजह से बेनिफिट कमाएगी 7 लाख और इसे देना पड़ेगा 7.5 लाख। श्याम पर आओ, मुझे बताओ श्याम ने क्या बोला है कि आफ्टर अपॉइंटमेंट में क्या करवाऊंगा? 50% इंक्रीज इन करंट प्रॉफिट। 50% इंक्रीज इन करंट प्रॉफिट कितना हुआ? 16,50,000। 16,50,000। यस सर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर बिफोर अपॉइंटमेंट जाता हूं तो अगर मैं बिफोर अपॉइंटमेंट निकालूं, अब 1.5 करोड़ पर 12 कितना हुआ? 18 लाख। तो ये तो किसमें आ गया? लॉस में। लॉस में। कितना लॉस हुआ? 150,000। 150 के लॉस पर आ गया। तो अब यहां पर एक समस्या आ गई। समझ लो, अब समस्या क्या हो गई? अगर इसको अपॉइंट कर रहा हूं तो नुकसान है, और इसको अपॉइंट कर रहा हूं तो भी नुकसान हो रहा है। यस सर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो, क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है। अब क्या करें? क्योंकि भाई इसने तो पूछा है कि इस प्रपोजल में कंपनी के लिए बेनिफिशियल कौन सा है। सर, आर ही रहेगा। नहीं, अब देखो, इसका जो आंसर जब इशू हुआ ना, तो अब यहां पर एक अलग अजम्पशंस पर चले गए। अब देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस में प्रिंटिंग मिस्टेक्स, ये एक्चुअली में सीए फाइनल का क्वेश्चन है, ये आप लोगों के एग्जाम में नहीं आया था, ये सीए फाइनल के पेपर में आया था। अब वहां इन्होंने क्या लिया कि आफ्टर अपॉइंटमेंट ये है, और यहां इन्होंने बिफोर अपॉइंटमेंट में 18 की जगह क्या ले लिया? 11 लाख, और इसका बेनिफिट निकाल दिया 4.5। 4.5 नहीं, कितना आया? 5.5 हुआ ना? यस सर। तो यहां पर अगर मैं 5.5 ले जाऊंगा तो अब मेरा डिसीजन आ जाएगा कि मुझे इसको अपॉइंट करना चाहिए। बट सर, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। अब देखो, वही बात है कि अब ये क्वेश्चन श्याम वाला वापस समझा दो एक बार। अब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आया जिसमें इन्होंने क्या माना कि श्याम ने बोला कि मैं आपको करंट प्रॉफिट में 50% इंक्रीज करके दूंगा, तो ये 16,50,000 हो गया। ये समझ आ गया आफ्टर अपॉइंटमेंट? यस सर। अब बात ये थी कि बिफोर अपॉइंटमेंट क्या लिया जाए श्याम के लिए। तो सर, आप नॉर्मली तो रूल क्या था कि अगर ये वाला एक्चुअल पर बेस्ड है तो ये वाला टारगेट पर बेस्ड होना चाहिए। यस सर। लेकिन अब उसने इस चीज को अगर वो टारगेट पर लेता तो इस एम्प्लॉय को भी अपॉइंट करना लॉस में जा रहा था। बोलो, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। तो अब देखिए, जब अब क्या होता है ना, तो हालांकि पता है क्या था यहां पर, बाद में जब इसके सजेस्टेड इशू हुए सीए में, तो इन्होंने यहां पर इस तरह से सॉल्यूशन करके लिया और नीचे एक नोट डाला। नोट क्या डाला गया था कि आपके यहां पर एक लाइन होनी चाहिए थी कि भाई जब आपने एग्जीक्यूट को अपॉइंट किया ना, तो यहां पर था कि बिफोर अपॉइंटमेंट एक्चुअल प्रॉफिट विल बी कंसीडर, यानी दोनों के लिए बिफोर अपॉइंटमेंट में एक्चुअल प्रॉफिट ही कंसीडर करना था। अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर निकाला ही नहीं जा सकता था। अब देखिए,
मेरे तो पास ये कोई 16,50,000 अभी इसका वो कैसे आया एक बार बता दो। नहीं है। आपने करंट ईयर के प्रॉफिट में 50% इंक्रीज करवा दिया, तो करंट ईयर का प्रॉफिट 11 था, इसमें 50% इंक्रीज कराओगे तो 5.5 लाख का इंक्रीज हुआ, और 5.5 लाख का इंक्रीज हुआ तो 16,50 बन गया ना। अच्छा यहां पर इन्होंने वही फंडामेंटल रूल लगाया जो पिछले क्वेश्चन में करण बात कर रहा था कि इन्होंने दोनों में कंपैरिजन किससे किया, एक्चुअल प्रॉफिट से किया बस, और आंसर 7 लाख और 5.5। बिल्कुल। अब देखिए ये इकलौता क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। इस एक क्वेश्चन के अलावा सब में आपका वही रूल फॉलो हो रहा है, आफ्टर अपॉइंटमेंट और बिफोर अपॉइंटमेंट। तो सर हम ये अज्यूम करेंगे यदि दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो हमें ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। करना ही ऐसी पड़ेगा। अब देखिए कंडीशन अब हो एक्चुअली में हाँ अगर लॉसेस, क्योंकि अब देखिए इकलौता ही क्वेश्चन है, अपन क्या इससे कोई रूल भी डेवलप नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है, ये एक बार आया और बस इसका आंसर इशू हो गया बस। अब प्रॉब्लम या क्या तो है कि सर अगर नाइन उनको आपके क्या चीज या तो सर इसमें जो नोट वाली लाइन है या तो वो ऐड करने क्वेश्चन के अंदर। देखो, अब एक्चुअली में अगर मैं आपको बताता हूं, आपके एग्जाम में अगर सीए से एज इट इज कॉपी होंगे ना क्वेश्चन, तो ये एज इट इज कॉपी होगा, केवल डिजिट चेंज करेंगे ये, और डिजिट चेंज करके आंसर इसी तरीके से निकाला जाएगा। प्रॉब्लम यही आती है कई बार हमारे इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में और उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्रडिक्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। आपको हर चैप्टर में ऐसे मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता था, क्योंकि अदरवाइज तो दोनों ही अपॉइंटमेंट में लॉस है। तो आप तो आंसर ये लिखोगे कि न तो आर को अपॉइंट करना चाहिए ना एस को अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि Yes, प्रैक्टिकली देखो तो दोनों ही नुकसानदायक है, लेकिन अपॉइंट करना है आपको वाइस प्रेसिडेंट को। अब सर इसका कंपैरिजन जब कर लिया था, अब इसके नीचे क्या लिखना है? इस इसके नीचे तो बस ये हो जाएगा कि कंपनी शुड अपॉइंट मिस्टर श्याम एज अ वाइस प्रेसिडेंट सिंस बेनिफिट्स अराइजेस आर मोर देन सीटीसी। कंपैरिजन के नीचे तो बस ये लाइन आएगी कि कंपनी मस्ट अपॉइंट मिस्टर श्याम, कंपनी मस्ट अपॉइंट मिस्टर श्याम एज बेनिफिट्स आर मोर देन सीटीसी। सर हाँ जी, वो जो नोट था ना सीए फाइनल के आप बता रहे थे जो कि एक्चुअल हाँ वाला हाँ वो नोट एक बार सजेस्टेड में दोबारा नहीं है, बता तो दीजिए। हाँ वो आप इसमें लिख सकते हो कि विच टू एग्जीक्यूटिव आर शॉर्टलिस्टेड हुज प्रपोजल वर एज अंडर, फिर यहां पे आप चाहो तो लिख लो। बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रॉफिट, इनके दोनों के जो प्रपोजल थे वो एक्चुअल प्रॉफिट पर बेस्ड थे, इसलिए बिफोर अपॉइंटमेंट में मैंने दोनों के लिए क्या ले लिया, एक्चुअल ले लिया। बोलो क्लियर है? ओके सर। चलिएगा, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब इसके अगर 2-3-4 क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं तो वो आप कर लेना, जो भी बचे हुए हैं, शायद 2-3-4 क्वेश्चन बचे हुए होंगे। आंसर शीट भेज दी थी क्या इसकी मैंने? नो सर। नहीं भेजी, तो अभी मैं आंसर शीट भेज नो देता हूँ। सर। हाँ, तो मैं आंसर शीट अभी आपको भेज देता हूँ, तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। कल हम इसमें एक नया चैप्टर लेंगे जो कल कल में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, 40 से 45 मिनट लगेंगे, तो कल हम 1 आवर की क्लास रखेंगे मॉर्निंग में। हाँ सौरभ, अब आप देखो वो अपने समझने के लिए अपन बना सकते हैं, हालांकि वो तो फिर हर क्वेश्चन वाइज रूल होते नहीं है, बट हम ठीक है बना सकते हैं बस वो है। तो पक्का से आपके पास मेरे हिसाब से शायद
कितने 4-5 क्वेश्चन बचे होंगे इस चैप्टर के मेरे हिसाब से, तो वो आज ही कंप्लीट कर लेना। यस सर। सर हाँ जी सर। हाँ सर, सीएफआर और एसएफएम में कोई नया चैप्टर चालू होने वाला है क्या? सीएफआर में तो दो दिन में हो जाएगा चालू, एटलीस्ट 2 से 3 दिन में, है ना। लेकिन एसएफएम में प्रॉब्लम ये आएगी, नया चैप्टर जब चालू होगा तो वो भी फॉरेक्स से लिंक ही रहेगा, डेरिवेटिव। तो आप ज्वाइन तो कर लेना, लेकिन डेरिवेटिव में बस आप 3 टॉपिक नहीं कर पाओगे, बाकी सारे समझ आ जाएंगे जो फॉरेक्स से लिंक होंगे वो वाले। तो वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ सर, जब चालू है आप बता देना। बिल्कुल, मैं ग्रुप में डाल दूंगा जैसे ही नया चालू होगा, दोनों में से किसी ने भी। बिल्कुल सर, बाकी इसका कोई फास्ट ट्रैक है क्या इसको करने का, फॉरेक्स वगैरह को? फास्ट ट्रैक नहीं है, तो सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि इतने सारे हो गए होंगे मेरे तो मिस, जिसकी हद नहीं है। तो फॉरेक्स तो के करीबन 30-32 लेक्चर अपलोडेड हैं फॉरेक्स में, अभी लगभग 1 वीक और लगेगा नितिन, अगला वीक तो फॉरेक्स ही चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा फॉरेक्स।